हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं एक लोगो डिजाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसे हैं जो शिप एंड पिज़्ज़ा दो मेरा कॉम्बिनेशन का वर्ड्स है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एस एच आई पी शिप प्लस पिज़्ज़ा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं यहाँ पे इसके एक सर्कुलर मैं एक ड्रॉ, या तो आप रफ ड्रॉ कर लें पहले आप अपने स्केच बुक में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कुछ अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है तो आप अपने स्केच बुक में कर लें। तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करके मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड बना ले रहा हूँ। बोर्ड बनाने के मैंने यहाँ पे F6 से रेक्टेंगल टूल लिया है। बोर्ड का एक्चुअली थोड़ा अपना शेप जो होता है वो नीचे की पार्ट थोड़ा थोड़ा, मैं इसका जस्ट डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। ये यहाँ पे वेल्ड मैंने कर दिया है। बोर्ड का एक नीचे का वो बेस मैं बना ले रहा हूँ F10 से। ये दोनों कॉर्नर को मैंने सेम यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने एक दूसरा कॉपी कर लिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये थोड़ा वेव टाइप का होना चाहिए, तो पानी के लहरें होती हैं उस टाइप के, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये ऊपर का मुझे एक फ्लैप बनाना है। मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट किया मैंने और ये C4 सेंटर मैंने कर लिया। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। सेम इसी का एक मैं डुप्लीकेट अंदर की ओर कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फ्री हैंड टूल मैंने लिया है और ये मैं यहाँ से ड्रॉ किया। तो एक्चुअली मुझे एक पिज़्ज़ा का शेप निकालना है, तो मैं यहाँ सेंटर से मैं थोड़ा एक ये लाइन ले ले रहा हूँ। थोड़ा इसको और ऊपर मैं कर ले रहा हूँ, थोड़े स्टेप से मैं कर लिया हूँ। सेम लाइन को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पर रोटेशन का ये कर लिया हूँ और इसे मैं थोड़ा इस तरह से मैं और इसको राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर दिया। ये थोड़ा मैं नीचे की तरफ रख लेता हूँ। मैं नीचे वाले लाइन को मैं थोड़ा ट्रिम कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ ट्रिम कर दिया। ये लाइन को मैं यहाँ से ट्रिम कर दिया हूँ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट ट्रिम। मैंने ये लाइन को सिलेक्ट किया है और ये सर्कल को मैं यहाँ पे ट्रिम किया हूँ। फिर ये लाइन को मैं सिलेक्ट किया हूँ, फिर ये सर्कल को सिलेक्ट किया हूँ, फिर यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिया। फिर ये लाइन को मैं अभी ये बीच का जो मैं इसको रहने देता हूँ, ये वाले जो पार्ट है मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ कंट्रोल के। कंट्रोल कैसे, ये ब्रेक होकर के ये अलग हो गया, मेरा ये अलग हो गया। अब इधर का ये पार्ट रह गया। अब ये पार्ट को ये वाले लाइन से मैं ट्रिम कर दिया। अब इसको भी कंट्रोल कैसे मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, मैंने ये ब्रेक कर दिया है और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये मेरा एक अलग शेप हो गया और ये पिज़्ज़ा का जो बाइट होता है क्वार्टर शेप, मैं ये थोड़ा सा कलर कर ले रहा हूँ। मैंने कलर कर दिया है। ये वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर ले रहा हूँ, मैंने ये कर दिया है। ये इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी ये वाले लाइन को डिलीट किया हूँ मैं, ये वाले लाइन को भी डिलीट कर दिया हूँ।
बीच में थोड़ा सा मुझे एक यहाँ पे एक लाइन चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा ले रहा हूँ ताकि वो पिज्जा का वो शेप दिख सके आपको। मैं 8 कर लिया, 8 बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू से मैं ये लाइन को मैं कर्म कर दिया हूँ, और ये सेम चीज को मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ पिज्जा वाले ये से, और ये मैं ट्रिम कर दिया हूँ। ये आप देखो मैं डिलीट कर दिया हूँ। ये सेम जो लाइन है ये मैं थोड़ा इसको थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, ये मैं 4 कर दिया हूँ। सेम कंट्रोल शिफ्ट क्यू से मैंने ये कर्व कर दिया है, और ये वाला मैंने लाइन को पकड़ा और यहाँ पर ट्रिम मैंने कर दिया, फिर ये पकड़ा और इसको पकड़ा मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो बोर्ड का शेप दिख सके, पिज्जा का भी वो शेप दिख सके। पिज्जा का थोड़ा अंदर का जो बाइट होता है वो जो स्पाइस वगैरह होता है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ये यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा, इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और ये मैं व्हाइट कलर फिल कर दिया ताकि ये आपको दिख सके बोर्ड शेप में। ये सारे को मैं एक ग्रे कलर में कर देता हूँ, ये मैंने ग्रे कलर कर दिया, आपको यहाँ पे बोर्ड का शेप दिख रहा होगा, आपको ये बोर्ड का थोड़ा अलग मैं कलर कर लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये मैं शिफ्ट करके पिज्ज़ा मैंने ये बना लिया। अभी मैं यहाँ पे पिज्ज़ा का कलर और बोर्ड का कलर है वो इंडिविजुअली कर लेता हूँ ताकि वो कलर में आपको दिख सके। मैं यहाँ पे शायद मैंने कॉपी किया है, इसको अनग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल यू से। मैं इसको थोड़ा सा वो मैंने ये ऑरेंज कलर दे दिया पिज्ज़ा का, और ये मैं बोर्ड का कलर दे दे रहा हूँ ये, और ये सारे मैं कंट्रोल आर से रिपीट कर दिया। तो ये मैंने पिज्ज़ा बोर्ड शिप पिज्ज़ा करके मैंने एक लोगो बनाया। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और आपका फीडबैक करना, फीडबैक देना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।